इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसा कि कल रामपुर के डीएम और शाह इमाम ने जनता से अपील की थी कि वो दोपहर 2 बजे तक यानी कि जुमे की नमाज तक मार्केट बंद रखें, तो ज़्यादातर इसका असर रामपुर से देखने को मिल रहा है। और आगे इसका क्या असर रहा, इसके लिए हमने अपने संवाददाता मोनिस से बात की दोपहर 1 बजे। सैयद मोनिस, क्या असर दिख रहा है रामपुर में, जो कि ऐलान किया था शाह इमाम और डीएम ने दुकानें बंद रखने का? असर तक की जहां की बात है, असर तो बहुत दिख रहा है रामपुर शहर में। और सुबह से ही काफी मार्केट है, मॉल बंद है, और जो खुले हुए थे वो प्रशासन ने सब बंद करवाए और सब लोगों ने बंद करने 2 बजे तक के लिए। और उसके बाद जो है थोड़ा खुलने का चांस है शाम वाम में। वैसे तो आगे भी अभी 1-2 दिन के अंदर भी कुछ माहौल का पता नहीं कि दुकानें बंद रहे या मतलब जैसे ही प्रशासन कहेगी वैसे ही रामपुर शहर वासियों को चलना पड़ेगा। और कोरोना वायरस को लेके आप लोग कितने जागरूक हैं? रामपुर से यही कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग दें और जैसे कि दुकानें बंद हो रही हैं, बंद प्रशासन करवा रही है तो बंद करें, ताकि जो कोरोना बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, इससे सब लोग को बचा जा सके। रामपुर के बाजारों के साथ साथ ये असर मस्जिदों में भी दिखा, जैसे कि ज़्यादातर लोग जुमे की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन आज जामा मस्जिद में भीड़ कम दिखी। आप देख सकते हैं कि इतने लोग जामा मस्जिद में नहीं हैं जितने लोग रामपुर की जामा मस्जिद में जुमे को नमाज अदा करते हैं, जो ऐलान शाह इमाम ने किया था और जो प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी, उस अपील का पूरा पालन करते हुए दिखे रामपुर के लोग। मस्जिदों में भी इनका पालन किया, इसके साथ साथ रोड सड़कों पर भी इनका पालन हुआ। आप देख सकते हैं कि कितने कम लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि मस्जिद के आसपास रहते हैं। इसके साथ साथ शाम होने के बाद खबर ये भी आ रही है कि दुकानें खुलने लगी, लेकिन 2 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं। हल्के हल्के लोगों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी, लेकिन अक्सरियत में जो दुकानें थीं वो बंद ही रहीं। शाम तक दुकानें काफ़ी खुल गई, आपके सामने ये तस्वीरें हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ और अपडेट के साथ होंगे आपके साथ मौजूद। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।